प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक संविधान होता है जो सरकार के अंग जैसे कि विधानमंडल लेजिस्लेटर न्यायतंत्र जुडिशरी कार्यपालिका एग्जेक्यटिव के गठन और उनके कार्य को परिभाषित करता है और उसके अधिकार और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित भी करता है संविधान देश में बन रहे सभी कानून का मूल होने की वजह से उसे मूल कानून भी कहा जाता है दैट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मैं हूँ शाह और आप देख रहे हैं लीगल बाइट्स Today, we are starting with the constitutional law series, and in this video, I'll cover the meaning, purpose, and different types of constitutions. And further, there'll be a brief introduction to the Constitution of India. So, we'll take each of these one by one and try to understand them through various examples. <music> किसी भी देश को चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आपको एक स्कूल चलाना हो तो आप कुछ नियम बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेर आर द टीचर्स गोइंग टू कम फ्रॉम हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन द स्कूल अकोमोडेट वाट विल बी द सोर्स ऑफ फंडिंग वट आर गोइंग टू बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस हु इज द पर्सन हु इज डिरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू मेनटेन डिसिप्लिन सिक्योरिटी एक्सेट्रा इसी तरह देश को चलाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे देश का शासन कैसे चलेगा सरकार कैसे चलेगी सरकार के क्या अधिकार और क्या जिम्मेदारी होगी शासन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और खर्च कहाँ पर होंगे हाउ टू मेंटेन बायोलैट्रल एंड इंटरनेशनल रिलेशन विथ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर कंट्रीज ऑल ऑफ these concerns कैन बी एड्रेस्ड ओनली थ्रू अ प्रॉपर मैकेनिज्म which इज़ नॉट समथिंग dicey, unpredictable or और प्रोन टू चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस इट हैज टू बी concrete and एंड because here we are talking about a country and every act of the state has to be accountable. And this accountability, predictability and reliability is ensured by the constitution. वास्तव में संविधान को देश की आत्मा कहते हैं और इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान में ही देश के सभी मूल भाव व कर्तव्य निहित होते हैं नाउ लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक मौलिक कानून है जो देश का संचालन करने सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री मे बी रिगार्डेड एज द फंडामेंटल ऑफ द लैंड पोर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री संविधान देश के सामाजिक आर्थिक भौगोलिक धार्मिक आदि परिस्थितियों के आधार पर बनाया जाता है

मीनिंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना दैट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना विच इज़ टू प्रोवाइड आइडियोलॉजिकल सपोर्ट एंड लेजिटमेसी टू द स्टेट एंड टू फोर्सी द फ्यूचर एंड प्लान टू डेवलप अ वेल स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट मतलब भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान उसे कहते हैं जो किसी देश की व्यवस्था को अच्छे और नियमित रूप से संचालित करने के लिए लिखा गया नियमों व कानूनों का एक संग्रह हो इन शॉर्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज दैट एग्जिस्ट इन अ रिटन फॉर्म इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इन अ प्रॉपर मैनर We can say that written constitution refers to the constitution codified and compiled in a structured and cohesive manner. For example, India, USA, and Japan. Whereas the unwritten constitution is a set of ideas, rules, customs, and traditions that helps in order to govern that country. Unwritten constitution evolves over a long period with a new set of laws and guidelines being added as time progresses. यानी कि अलिखित संविधान उन विचार नियमों रीति रिवाजों अथवा लोक प्रथाओं एवं परंपराओं के समूह को कहते हैं जिनसे उस देश की शासन की व्यवस्था चलाई जाती है इसका प्रमुख उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी मस्ट अंडरस्टैंड वेन आई सी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट डजेंट मीन दैट इट इंक्लूड्स ओनली अनरिटन सोर्सेज एज इट मे कंटेन रिटन सोर्सेज सच एज रूल्स और जजमेंट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लिटरल टर्म्स में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है इस ऐतिहासिक संविधान को ड्राफ्ट करने में दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन लग गए थे 26 नवंबर के दिन 1949 में भारत के संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया था हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एवं संवैधानिक मूल्यों को याद दिलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड 22 टू पार्ट्स एट शेड्यूल्स एंड थ्री आर्टिकल्स लेकिन समय के साथ साथ भारतीय संसद द्वारा इनमें विभिन्न संशोधन किए जाते रहे टिल डेट देर हैिन हंड्रेड एंड फाइव अमेंडमेंट्स एंड एट प्रेजेंट देर आर ट्वेंटी फाइव पार्ट्स 12 शेड्यूल्स एंड 448 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंततः संविधान द्वारा ही किसी राज्य के स्वरूप को निश्चित किया जा सकता है संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है और उन्हें तानाशाह होने से बचाता है संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है अतः संविधान देश का सर्वोच्च कानून है वी विल बी डीलिंग विद द बैकग्राउंड Features and all the important provisions of the Constitution of India in the upcoming videos. Stay tuned. Jai Hind, Jai Bharat.